अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स नाइन्थ का या नाइन्थ फिज़िक्स में से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, एक दूसरा नाम इसका है टॉर्क, लेकिन चैप्टर का नाम दिया गया है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ने लगे, फोर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ने लगे हैं, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हम फोर्स पढ़ रहे थे, तो उससे रिलेटेड कुछ पढ़ने लगे हैं। नई आपके पास टर्मिनोलॉजीज हैं, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, अब लाइक और अनलाइक असल में पैरेलल फोर्सेस की दो टाइप्स का नाम है। तो पहले हमें पैरेलल फोर्सेस का आइडिया होगा तो फिर हम उसको टाइप्स भी पढ़ लेंगे कि अनलाइक और उनमें लाइक क्या चीज है। अब पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, तो उसकी एग्जांपल देखें कि बाज़ दफ़ा आप बाहर रोड पे देखते हैं कि अक्सर जो दो तीन चार पर्सन मिलकर किसी भी जो है वो कार को बस को पुश कर रहे होते हैं। ठीक है, वो ख़राब हो गई है तो उसको धक्का लगाया जा रहा होता है, उसको पुश किया जा रहा होता है, तो तमाम के तमाम आप पर्सन्स को देखेंगे कि वो एक ही सिम्मत में एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर अगर ये बोर्ड की तरफ उस बस को धकेलना चाहें, आप अपने से अवे धकेलना चाहें, तो आप तमाम फोर्सेस जो हैं पर्सन इस बोर्ड की तरफ को लगा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं उनकी डायरेक्शन शो करना चाहूँ तो आपके पास फर्स्ट पर्सन की फोर्स की डायरेक्शन ये बनेगी, इसी तरह सेकंड पर्सन के फोर्स की डायरेक्शन भी यही बनेगी आपके पास, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, सब की डायरेक्शन क्या होगी, सेम हो। ठीक है, इसी तरह पुल करने वाली एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि अगर आपके पास मुख्तलिफ जो हैं वो पर्सन किसी भी चीज़ को पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, जो डाइज है इसको मैं अपनी तरफ खींचता हूँ, ठीक है, तो मैं दोनों हाथों से जो फोर्स लगाऊंगा दोनों की डायरेक्शन अपनी तरफ होगी, मेरी तरफ होगी, तो उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। ठीक है, तो बोर्ड पे आपके पास ये अपवर्ड डायरेक्शन लग रही है, तो आपके पास कोई भी ऐसी एग्जांपल हो सकती है जिसमें आप पुश कर रहे हो एक से ज़्यादा पर्सन या पुल कर रहे हो एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हो, तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी, तो ऐसी फोर्सेस को हम पैरेलल बोलते हैं। और दूसरी टाइप इसकी कैसे है पैरेलल फोर्सेस की, दूसरी एग्जांपल किस तरह दे सकते हैं कि आपने लास्ट चैप्टर में न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था कि आपके पास एक बुक है, तुमने पढ़ा था ये किसी टेबल पे पड़ी हुई है, ठीक है, तो इसका जो वेट है यानी ज़मीन इसको एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है जिसको वेट बोलते हैं, वो डाउनवर्ड होगा नीचे की जाने, और इसको जो चीज़ सपोर्ट कर रही है टेबल अगर सपोर्ट कर रहा है तो उसकी रिएक्शन की फोर्स किधर को होगी, अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस पर भी आपके पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वेट की आपके पास डाउनवर्ड और टेबल की रिएक्शन फोर्स अपवर्ड। ठीक है, इसी तरह एक गेम है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग को एक रस्से को दो टीम्स क्या कर रही होती हैं, पुल कर रही होती, खींच रही होती, एक टीम की राइट साइड पे फोर्स अप्लाई हो रही होती है तो दूसरी टीम लेफ्ट साइड पे फोर्स अप्लाई कर रही है, तो उसकी डायरेक्शन भी आपके पास यही होगी, एक की राइट साइड पे तो एक की लेफ्ट पे। तो इसकी भी मैंने दो एग्जांपल आपको दे दी कि आपके पास बाज़ दफ़ा फोर्सेस जो हैं वो आपके पास इस तरह होती हैं कि एक की डायरेक्शन राइट साइड दूसरी लेफ्ट साइड, एक अपवर्ड तो दूसरी डाउन, तो ये दोनों ही आपके पास पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल है। ठीक है, दोनों ही पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल है, चाहे डायरेक्शन एक तरफ हो और चाहे डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट। अब असल में हो क्या रहा है, इसके अंदर इन दोनों फोर्सेस में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, और इसके अंदर आपके पास दोनों फोर्सेस में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है जी, 180 डिग्री, ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से। तो फिर पैरेलल फोर्सेस को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दोज फोर्सेस That have a phase difference of 0 degree और 180 degree, ऐसी forces जिनके दरमियान में या तो 0 angle हो, ठीक है, इस तरह ये दिखाया,
तमाम की डायरेक्शन अपवर्ड, तमाम की डाउनवर्ड, तो वो क्या होंगी? पैरेलल, जीरो एंगल होंगे। या ऐसी फोर्सेज जिनमें कितने का एंगल हो? 180 डिग्री का, तो उन्हें भी हम क्या बोलते हैं? पैरेलल। और आपकी बुक ने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, दोज फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों उन्हें हम पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। तो उसने पैरेलल का मतलब नहीं बताया हुआ, लेकिन मैंने बता दिया कि पैरेलल का मतलब क्या है, कि उन फोर्सेस में जीरो एंगल बन रहा हो या 180 डिग्री का एंगल बन। अब नेक्स्ट उसकी दो टाइप्स पढ़ लेते हैं, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लें कि आपके पास कोई भी बाउल है या कोई भी आपके पास बॉक्स है, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा आपके पास उसके अंदर के यानी बॉल्स हैं। यहाँ आपकी बुक ने एक शॉपिंग बैग के अंदर, एक इन्वेलप के अंदर जो है वो एप्पल शो किए हैं। अब जिस तरह मैंने बुक के बारे में बताया था कि उसका वेट क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ज़मीन उसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो उस फोर्स की डायरेक्शन किधर को होती है? डाउनवर्ड। तो इस फर्स्ट बॉल की कभी कुछ वेट होगा, बल्कि हम यूँ बोल लेते हैं कि हर मैसिव बॉडी का वेट होता है, जो बॉडी मैस रखती है उसका कुछ ना कुछ वेट भी ज़रूर होता है। तो आपके पास फर्स्ट बॉल का भी वेट होगा, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी। तो हर बॉल का जो वेट होगा सबकी डायरेक्शन क्या है जी? डाउनवर्ड, ठीक है, तमाम की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। सेम इसी तरह इन एग्जांपल्स को भी आप रिपीट कर सकते हैं कि एक पर्सन, मुख्तलिफ पर्सन जो हैं वो एक बस को पुश कर रहे हैं, तो सब एक ही तरफ को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है जी? वही सेम एग्जांपल होगी, चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाए, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन हो जाए, चाहे राइट साइड पर, चाहे लेफ्ट साइड पर, लेकिन सब की डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। और दूसरे अल्फाज में उनमें एंगल कितना बन रहा हो? ज़ीरो डिग्री बन रहा हो, तो हम उन ऐसी फोर्सेस को क्या बोलेंगे? लाइक पैरेलल। दोज पैरेलल फोर्सेस, यानी हमने पहले ही इन्हें पैरेलल बोल देना, या इनमें जीरो का डिफरेंस हो सकता है या 180 का, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो दोज पैरेलल फोर्सेस डैट हैव सेम डायरेक्शन, जिनकी क्या हो? डायरेक्शन सेम हो, या ये भी लिखा जा सकता है थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, यानी उन फोर्सेस में कितना एंगल बन रहा हो आपस में, ठीक है, ये जिस तरह है, दोनों ही स्टेट अपवर्ड, दोनों ही आपके पास स्टेट टूवर्ड हो, अवे हो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो, राइट साइड पे हो, लेकिन उनमें एंगल कितने का बन रहा हो? जीरो। और डायरेक्शन भी देखें सेम हो गई, तो उनको हम क्या बोलते हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो एग्जांपल बस वाली दे दी, और एक आपके पास किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी एनवेलप के अंदर एप्पल्स हैं, बॉल्स हैं, सबका वेट जो है वो भी लाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल। अब अनलाइक देखें, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती है, ठीक है, ये क्या है जी? एक आपके पास सपोर्ट है, ठीक है, कोई भी आपके पास स्टैंड है जिसके साथ आपने स्ट्रिंग की मदद से एक बॉक्स को लटकाया हो, तो बॉक्स की कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी जी? उसकी डाउनवर्ड फोर्स, वेट एक्ट कर रहा होगा, अर्थ उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, मैस है तो उसको भी अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वाली एग्जांपल बनाने लगा, ठीक है, जिस तरह बुक की एग्जांपल। अब हर स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर ऐसी स्ट्रिंग जो कि स्ट्रेच्ड हो, खिंची हुई हो,
उसके अंदर एक रिएक्शन फोर्स पैदा होती है, आर से रिप्रेजेंट मैं फिलहाल कर रहा हूँ रिएक्शन फोर्स, और उसका असल में स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर जो रिएक्शन फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन। ठीक है, इधर लिख ही देता हूँ, द रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, कोई वेट ही नहीं है नीचे, कोई चीज़ हैंग ही नहीं है, तो वो स्ट्रेच नहीं होगी, वो स्ट्रेच नहीं होगी तो उसके अंदर टेंशन पैदा नहीं होगी। लास्ट चैप्टर में जब हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो एक स्ट्रिंग के साथ हमने पत्थर या कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट चीज़ पकड़ के बांध के घुमाया था, तो हमने कहा था उस पत्थर को सर्कल से बाहर कौन नहीं निकलने दे रहा, डोरी में मौजूद टेंशन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो वो भी स्ट्रिंग क्या हुई थी, स्ट्रेच हुई हुई थी, खींची हुई थी। द रिएक्शन फोर्स इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। डेफिनेशन भी करनी हो तो ये डेफिनेशन भी आपके पास आ गई कि एक खिंची हुई डोरी के अंदर जो फोर्स होगी उसे हमें क्या बोलेंगे, टेंशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये देखें, एक फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड, एक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का होगा, 180 का, और दोनों की डायरेक्शन किस तरह है, ऑपोजिट हैं, एक डाउनवर्ड है तो एक अपवर्ड। वो रस्सा खींचने वाली टीमों की एग्जांपल, एक अगर राइट साइड पर टीम पुल कर रही है तो दूसरी टीम लेफ्ट साइड पर पुल कर रही होगी, तो आपके पास जब दोनों या दो से ज़्यादा पैरेलल फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन रखेंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, अनलाइक दैट या दोस पैरेलल फोर्सेस डैट हैव ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, और इनमें फेज डिफरेंस कितने का होता है जी, 180 डिग्री। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट समझ लें अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के हवाले से, कि एक तो ये एग्जांपल है कि आपके पास दो फोर्सेस हैं जो कि पैरेलल भी हैं और डायरेक्शन ऑपोजिट। अब आपने एक बच्चों के खेलने वाला एक झूला देखा होगा जिसका नाम क्या है जी, सी सा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि दो जो हैं वो बच्चे बैठे हैं, कि एक जो है वो नीचे को अगर पुश करता है तो ये उसकी फोर्स की डायरेक्शन F1, उस वक्त दूसरा जो बच्चा होगा वो अपने पाँव से ज़मीन को पुश करके ऊपर की जानब मूव करेगा तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। अब ये देखें, एक तरफ से डाउनवर्ड यानी लेफ्ट साइड से डाउनवर्ड फोर्स की डायरेक्शन और राइट साइड से अपवर्ड फोर्स की डायरेक्शन, तो ये दोनों भी क्या हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि पैरेलल भी हैं एक दूसरे के और दूसरा इनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है, तो आपके पास ये भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की एग्जांपल, लेकिन दोनों में फ़र्क देखें, ये दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक ही लाइन में एक्ट कर रही हैं, ये दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस दो डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रही हैं, या कह लें दो डिफरेंट लाइंस में एक्ट कर रही हैं। तो क्या हो सकता है कि जब दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक लाइन में एक्ट करती हैं तो वो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या लीनियर मोशन कर सकती, क्या कर सकती है, लीनियर मोशन या रेस्ट में रहेगी। लेकिन टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अगर डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं तो वो आपके पास क्या करेंगी, रोटेशन पैदा कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं जी, रोटेशन। टू अनलाइक, ये पैरेलल का सिंबल होता है, पैरेलल फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, जिसको मैंने दूसरे वर्ड्स में कहा इन लाइन ना हो, एक ही लाइन में एक्ट ना कर रही हो, दो डिफरेंट लाइंस में हो या दो डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रही हो, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट पॉइंट्स
देन बॉडी मे बी रोटेट। तो बॉडी में चांस है कि वो रोटेट कर, ठीक है, और उसी रोटेशन को हम आगे जाके पढ़ेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या टॉर्क। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।